वेलकम दोस्तों, स्वागत है राजेंद्रा नर्सिंग एकेडमी आरएनए पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। और बहुत ही शानदार सेशन आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। नोरसेट सीरीज अपनी चल रही है, नोरसेट 2023 और आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए, ऑल नर्सिंग एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल एमसीक्यू सेशन अपने चल रहे हैं। तो दोस्तों, ये क्लास नंबर 8 है। इससे पहले 7 क्लासें अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो ज़रूर ज़रूर वॉच करें, आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। हर एक क्लास में आपको 20 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे और ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई शुरुआत सीरीज के साथ क्लास नंबर 8 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है और स्टार्ट करते हैं आज का ये शानदार सेशन। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन, आप सभी से मेरा एक निवेदन रहेगा कि आप जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करना और वीडियो के लास्ट तक आप बने रहना। वीडियो के लास्ट में आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहेगी और साथ में ही आप वीडियो के लास्ट में, जब वीडियो बिल्कुल एंड हो जाएगी, 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन कर लेंगे, तो लास्ट में आप मुझे अपना स्कोर ज़रूर बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। कि द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड विद, थर्ड स्टेज ऑफ जो लेबर है वो ख़त्म कब होता है? 2 hours आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बर्थ ऑफ बेबी, तीसरा ऑप्शन है फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स और चौथा ऑप्शन है डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो जल्दी सी जो है वो राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक करते हुए ज़रूर चलना और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा साथी जो है वीडियो को ज़रूर देखें और लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि आप अंतिम तक वीडियो देखते हो तो शानदार तरीके से आपको जो है कंटेंट मिलेगा, जो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हो। चलिए थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो होता है वो ख़त्म होता है, तो चलो बता देता हूँ। पहला ऑप्शन है 2 hours आफ्टर बर्थ बेबी, तो बेबी के बर्थ होने के 2 घंटे बाद, क्या 2 घंटे बाद होगा क्या थर्ड स्टेज? नहीं, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट बर्थ ऑफ बेबी, बेबी का जो बर्थ होता है, तो जो बेबी का जो बर्थ होता है वो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर होता है। कैसा होता है? सेकेंड स्टेज होता है लेबर का। चलिए फुल डायलेशन ऑफ सर्विक्स जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का। कैसा स्टेज होता है? फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का। और नेक्स्ट अपन देखते हैं डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, बिल्कुल प्लेसेंटा की डिलीवरी थर्ड स्टेज लेबर के अंदर होती है और अपने से यही पूछा है कि थर्ड स्टेज लेबर एंड विद, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो है ये सेकंड रहने वाला है। विच एग्जामिनेशन इज डन टू कन्फर्म टीबी मेनिंजाइटिस, कि जो है कन्फर्म टीबी मेनिंजाइटिस हो रहा है उसके लिए कौन सा एग्जामिनेशन करेंगे? स्पूटम एग्जामिनेशन करेंगे, CSF एग्जामिनेशन करेंगे, स्पाइनल टैप करेंगे या लंबर पंक्चर करेंगे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आप सभी जरूर बताना कि विच एग्जामिनेशन इज डन कन्फर्म टीबी मेनिंजाइटिस के लिए। कन्फर्म तो अपन क्या चेक करते हैं, तो चलिए इसका राइट आंसर अपन देख लेते हैं। आप सभी कमेंट बॉक्स में एक बार इसका राइट आंसर दीजिए मुझे। पहला ऑप्शन आपका रहेगा स्पूटम एग्जामिनेशन, दूसरा ऑप्शन रहेगा CSF एग्जामिनेशन, स्पाइनल टैप, लंबर पंक्चर। मैं आपको बता दूं दोस्तों, स्पाइनल टैप और लंबर पंक्चर एक ही चीज़ है, दोनों का ही एक ही नाम है, सेम है, तो ऑप्शन बी ये दोनों नहीं हो सकते। इसके अलावा आपको मैं बता दूँ मेनिंजाइटिस जो होती है, मेनिंजाइटिस के लिए अपन क्या करते हैं, तो अपन क्या करेंगे CSF का एग्जामिनेशन करते हैं। किसका? CSF का एग्जामिनेशन करते हैं। टीबी के लिए किसका करते हैं? टीबी को स्पूटम एग्जामिनेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर टीबी किसकी पूछी है? मेनिंजाइटिस की पूछी है, इसलिए दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा CSF एग्जामिनेशन जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने भी ऑप्शन बी चूज किया है बधाई के पात्र हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ ब्लीडिंग इन चिल्ड्रन विद हीमोफीलिया। दोस्तों हीमोफीलिया जब हो रहा है, आपको मैं बता दूं, हीमोफीलिया जब हो रहा है तो ब्लीडिंग, बच्चों के अंदर ब्लीडिंग के लिए जो मोस्ट कॉमन साइट रहेगी वो क्या रहेगी?
इसका राइट आंसर सभी कमेंट बॉक्स में देना हो। पहला ऑप्शन रहेगा जॉइंट, दूसरा स्टमक, तीसरा गम या फिर नोज। क्या होगा राइट आंसर? तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा जल्दी सी कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन रहने वाला है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि हीमोफीलिया के अंदर जो ब्लीडिंग होती है वो कहाँ? जॉइंट्स के अंदर होती है। ऑप्शन ए जो है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा, जॉइंट्स जॉइंट्स के अंदर होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया। ध्यान रखना, वर्डिंग को समझना कि जो मोस्ट कॉमन कॉज है मैटरनल मॉर्टेलिटी पूछा है इन्होंने। मॉर्टेलिटी बोले तो मृत्यु दर, और अगर मोरबिडिटी पूछते, मोरबिडिटी का मतलब होता है डिजीज होने की दर। अपने से मॉर्टेलिटी पूछा है तो इंडिया के अंदर मात्र मृत्यु दर का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या होगा? पहला ऑप्शन चला जाएगा एनीमिया, दूसरा अबॉर्शन, तीसरा सेप्सिस, चौथा चला जाएगा हेमरेज। जल्दी सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, जल्दी सी राइट आंसर कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही शानदार ये सेशन रहने वाला है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मैटरनल मॉर्टेलिटी जो होती है हेमरेज होता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होगी तब जाकर मातृ मृत्यु दर हो सकती है। ऑप्शन डी जो इसका राइट है। अगर क्वेश्चन होता कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्बिडिटी इन इंडिया, तो मैटरनल मॉर्बिडिटी जो होती है मॉर्बिडिटी उसके लिए क्या होगा? आप सभी कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर पुट करना, मॉर्बिडिटी के लिए क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस ऑफ ए पेशेंट एसोसिएटेड यूजिंग, कि जो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है पेशेंट का वो एसोसिएट करता है, तो बताना लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस की बात हो रही है। तो ये जो पहला ऑप्शन है लंड ब्रोडर मेथड्स, दूसरा है ब्रेंडन स्केल, तीसरा है ग्लास्को कोमा स्केल, चौथा है सेनेल चार्ट। तो दोस्तों ये जो लंड ब्रोडर मेथड है ये किसके लिए होता है? बर्न पेशेंट के लिए होता है। किसके? बर्न पेशेंट के लिए होता है। इसके अलावा ब्रेंडन स्केल जो होता है वो किसके लिए यूज करते हैं? डायबिटीज़ वाला जो पेशेंट है, डायबिटीज़ मेलाइटिस का जो पेशेंट है उसके लिए यूज करते हैं। ग्लास्को कोमा स्केल जो होता है वो लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के लिए होता है, और सेनेल चार्ट जो होता है इससे क्या करते हैं? आई विजन करते हैं। तो अपने से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस और पेशेंट इज एसोसिएटेड यूजिंग, तो कैसे यूज़ करेंगे उसको? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ग्लास्को कोमा स्केल होने वाला है, GCS, ग्लास्को कोमा स्केल से लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस अपन जो है चेक कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड, कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है उसे क्या कहते हैं? ओवुलेशन। ओवुलेशन किसे कहेंगे? ओवम का क्या ओवुलेट होना, ओवम का ओवुलेशन कहलाता है। मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल का स्टार्ट होना, मीनार्की या मीनोपोज। दीजिए राइट आंसर क्या होगा इसका? इसका जो राइट आंसर होगा स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्की, ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल राइट होगा, मीनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है? मीनार्की कहलाता है। चलिए दोस्तों आप सभी से निवेदन है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कारवां चलने वाला है नॉर्थसेट तक। तो 8 क्लास से आज हो चुकी है, नॉर्थसेट तक ये जो है अपना कारवां चलने वाला है। तो चलिए इसका राइट आंसर पुट कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर। तो जो स्टार्टिंग ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो मीनार्की कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? क्या कहलाता है? मीनार्की कहलाता है, ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है? वेस्ट, ए वेस्ट प्रोड्यूस्ड बाय द बॉडी एंड एक्सहेल्ड थ्रू द लंग्स, कि एक वेस्ट प्रोडक्ट है, वेस्ट गैस प्रोड्यूस बाय द बॉडी, बॉडी से प्रोड्यूस होती है, एंड एक्सहेल थ्रू द लंग्स, लंग्स से एक्सहेल होती है, बाहर की तरफ निकल जाती है। दीजिए राइट आंसर क्या होगा? दीजिए राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, सभी इसका राइट आंसर पुट करें कमेंट बॉक्स में, कि ऐसी कौन सी गैस है जो एक्सहेल बॉडी से एंड एक्सहेल थ्रू लंग्स। चलो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 जो होती है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आगे। कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहने वाला है? व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट टू द नर्स
पेशेंट में हैव हाइपोकैलेमिया की कौन सी जो क्लिनिकल फाइंडिंग है जो इंडिकेट कर रही है कि पेशेंट को क्या हो रहा है, हाइपोकैलेमिया हो रहा है, पोटेशियम का लेवल कम हो रहा है। पहला ऑप्शन है एडिमा, दूसरा है मसल स्पाज्म, तीसरा कुस्माल ब्रीदिंग, चौथा है एब्डोमिनल डिस्टेंशन। दीजिए राइट आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि हाइपोकैलेमिया जो होता है, पोटेशियम का लेवल कम होता है, तो क्या कोई क्लिनिकल फाइंडिंग इंडिकेट हो सकती है, तो इसका राइट आंसर होगा एब्डोमिनल डिस्टेंशन। क्या? एब्डोमिनल डिस्टेंशन। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1 टीस्पून, 1 टीस्पून में कितने एमएल होते हैं। बात करते हैं टीस्पून की, तो टीस्पून के अंदर जो होते हैं टीस्पून में वो होते हैं 5 एमएल 1 टीस्पून में। और बात कर लेते हैं टेबलस्पून की, तो टेबलस्पून के अंदर कितने होते हैं, 15 एमएल होता है एक के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टीस्पून की बात कर रहे हैं, 5 एमएल जो है वो बिल्कुल राइट होगा, ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच बैक्टीरिया एक्सिबिट इन चाइनीज लेटर एंड क्लब सेप। चाइनीज लेटर और क्लब सेप वाले जो बैक्टीरिया है वो कौन से होते हैं। दीजिए राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई, क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी, विब्रियो कोलेराई और नाइजीरिया गोनोरिया। तो इससे नाइजीरिया गोनोरिया होता है, विब्रियो कोलेराई से कोलेरा होता है, क्या होता है, कोलेरा होता है, और क्लोस्ट्रिडियम टिटेनी से क्या होता है, टिटनस होता है, और कॉर्नियोबैक्टीरियम डिफ्थीरियाई जो होता है वो कैसा होता है, चाइनीज लेटर एंड क्लब शेप होता है। कैसा? चाइनीज लेटर एंड क्लब शेप होता है, ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए क्या होगा, बिल्कुल राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच इज़ द प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बैक्टीरियल सेल वॉल। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है, बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी दोस्तों, वो वाटर। प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज कॉल्ड वाटर। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होने वाला है, वाटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। तो आप वीडियो को क्या कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करें। और ये सेशन तब तक चलेगा जब तक नॉर्सेट नहीं आ जाता। आज 8वीं क्लास है, आप सोच समझ सकते हो कि डेली अपन 20 क्वेश्चन करते हैं, तो आज 8वीं क्लास है तो लगभग 8 × 2 = 16 160 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट 160 क्वेश्चन अपने हो चुके हैं। डे बाय डे अपन आगे चलते रहेंगे, आगे ज़्यादा भी अपन क्वेश्चन करवाने वाले हैं। चलिए विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा ऑफ द हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, चलिए कमेंट बॉक्स में इसका राइट आंसर बता दीजिए। इसका राइट आंसर होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड। विच कॉम्प्लिकेशन ऑफ आईवी इन्फ्यूजन कैन कॉज पल्मोनरी एडिमा ऑफ द हार्ट फेलियर इज कॉल्ड, क्या इनफिल्ट्रेशन, कॉर्नियोबैक्टीरियम, सॉरी इनफिल्ट्रेशन, सर्कुलेटरी ओवरलोड, इन्फेक्शन और पायोजेनिक रिएक्शंस। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो सभी इसका जो राइट आंसर है वो बताइए। इसका राइट आंसर होगा सर्कुलेटरी ओवरलोड जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल राइट है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच टाइप ऑफ शॉक डज नॉट पेशेंट एक्सपीरियंस मिसमैच ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द सेल। मिसमैच ऑफ ब्लड फ्लो ऑफ द सेल इज कॉल्ड, तो ये जो राइट आंसर होगा इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होने वाला है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या? डिस्ट्रीब्यूटिव जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, ऑप्शन ए जो है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्टुसिस आल्सो नोन एज पर्टुसिस, रात के सेशन में मैंने आपको बताया था पर्टुसिस के बारे में। पर्टुसिस को वूफिंग कफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वूफिंग कफ। एंटेरिक फीवर जो होता है वो टाइफॉइड को कहते हैं, टाइफॉइड फीवर को, ठीक है। जर्मन मीजल्स रूबेला जो होता है वो किसको कहते हैं, मीजल्स को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर शॉपिंग इज सीन इन, डॉक्टर
शॉपिंग इज सीन इन, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए कमेंट बॉक्स में बताना। डॉक्टर शॉपिंग जो होता है वो क्या कहलाता है, पहला ऑब्सेशन, पहला क्या है ऑब्सेशन, दूसरा है हाइपोकॉन्ड्रियासिस, तीसरा है परसिस्टेंट मूड डिसऑर्डर, चौथा है हाइपोमेनिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या कहलाएगा, हाइपोकॉन्ड्रियासिस जो है वो डॉक्टर शॉपिंग कहलाता है। क्या डॉक्टर शॉपिंग, हाइपोकॉन्ड्रियासिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीजिंग इज कॉमनली प्रजेंट इन, वीजिंग इज कॉमनली प्रजेंट इन दिस कॉल्ड, वीजिंग जो होता है वो अस्थमा में देखने को मिलता है, किसमें, ब्रोंकियल अस्थमा में। वीजिंग किसमें देखने को मिलता है, ब्रोंकियल अस्थमा में देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या दोस्तों, वीजिंग इज कॉल्ड ब्रोंकियल अस्थमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए हेल्दी बेबी नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस, हेल्दी बेबी का नॉर्मल मिड आर्म सरकमफेरेंस कितना होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, 11 से 12 सेंटीमीटर। क्या होता है, 11 से 12 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैक्सिमम कोज ऑफ बर्थ एस्पेक्सिया, मैक्सिमम कोज क्या रहेगा बर्थ एस्पेक्सिया का दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा, चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं, कॉर्ड प्रोलैप्स्ड, प्लेसेंटल इनसफिशियंसी, हाइपरटेंशन, पॉलीहाइड्रोमनियस। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों क्या, इसका जो राइट आंसर होगा वो प्लेसेंटल सफिशियंसी, प्लेसेंटल सफिशियंसी होगा इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। द बर्थ वेट ट्रिपल एड, बर्थ वेट का जो है वो ट्रिपल तीन गुना कब होता है, बर्थ वेट का दोगुना जो होता है वो कब होता है, दोगुना कब होता है बताइए, बर्थ वेट का दोगुना होता है 5 मंथ पे, कब, 5 मंथ, 5 मंथ पे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोगुना है लेकिन तीन गुना होता है 12 मंथ के ऊपर। ट्रिपल अपने से पूछा गया था तो ट्रिपल जो होता है वो कब होता है, 12 मंथ पे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि वाइट स्पॉट ऑन हार्ड प्लेट ऑफ नियोनेट आर नोन एज, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, वाइट स्पॉट ऑन हार्ड प्लेट ऑफ नियोनेट आर नोन एज मीलिया स्ट्रोक एब्स्टिन पल्स लिम्फोमा, बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एब्स्टिन पल्स जो है इसका राइट आंसर होने वाला है, क्या, एब्स्टिन जो पल्स है वो इसका राइट आंसर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और दोस्तों ये आज के सेशन का जो है वो लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए मेरा आप सभी से निवेदन है, आप सभी दोस्तों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी इन इंडिया, तो मॉर्टेलिटी जो होती है वो होती है हेमरेज से, मॉर्बिडिटी होती है वो एनीमिया से होती है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो दोस्तों ये था आज का शानदार सेशन, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और साथ ही दोस्तों आप जो है मुझे सपोर्ट करें, मेरा साथ दें, जैसा आप सपोर्ट करोगे, जैसा आप जो है अपना सपोर्ट दिखाओगे मुझे, अपना सपोर्ट करोगे उतना ही अच्छा कंटेंट आपको मिलने वाला है। तो ये था आज का क्लास नंबर 8, और इससे पहले 7 क्लास से अपन कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो ज़रूर देखना, और ऐसे ही शानदार सेशन आप सभी के लिए लेकर आएंगे आगे भी, तो आप साथ बनाए रखना, अपना प्यार बनाए रखना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। चलिए मिलते हैं शाम के सेशन में, थैंक यू अगेन, थैंक यू सो मच।